हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स प्रेस जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है आज हम सीपीसी पढ़ेंगे इसमें हम इफेक्ट ऑफ नॉन जो ऑफ कोर्ट्स की बात करेंगे तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में समझा था कि जो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अ कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट टू एडजुडिकेट अ मैटर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट की बात करते हैं हम तीन तरह की कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर टेरिटोरियल पिक्यूनरी आज हम ये समझेंगे कि, कि किसी कोर्ट के पास जो नहीं है यानी कि कोई कोर्ट कंपिटेंट नहीं है टू डील विद अ मैटर तो ऐसे केस में डिक्री पर इसका क्या असर होगा सबसे पहले हम सब्जेक्ट मैटर जो की बात करते हैं सब्जेक्ट मैटर जो को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में सबसे ऊपर रखा गया है ये कहा गया है कि एक सब्जेक्ट मैटर जो जो है वो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है किसी भी कोर्ट के लिए साइन क्वा नॉन है किसी भी कोर्ट के लिए बिफोर इट डील्स विद अ मैटर यानी कि कोई कोर्ट अगर लिमिटेड है कि वो एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ मैटर पर्टिकुलर क्लास ऑफ सब्जेक्ट्स को ही डील कर सकता है तो वो सिर्फ उन्हीं से डील करेगा एक कोर्ट के पास चाहे टेरिटोरियल ज्यूरिस्टिक्शन भी ना हो पेक्यूनरी ज्यूरिस्टिक्शन भी ना हो तब भी वो किसी भी मैटर पर डिसीजन दे सकता है लेकिन अगर अगर उसके पास सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिस्टिक्शन ही नहीं है उस सब्जेक्ट मैटर को एंटरटेन करने की तो बिल्कुल वो उस पर डिसीजन नहीं दे सकता है जैसे किरण सिंह वज चमन पासवान के केस में कहा गया था सब्जेक्ट मैटर जो रिज्रिक्शन हिट्स एट द वेरी रूट ऑफ द कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट इसीलिए अगर किसी कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जो रिज्रिक्शन नहीं है तो ऐसी डिग्री फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन वुड बी ए डिग्री ऑफ नलिटी डिग्री नल एंड वाइड होगी ऐसी डिग्री को आप इवन कोलेटरल प्रोसीडिंग्स में भी चैलेंज कर सकते हैं यानी कि आप इवन अपील में रिविजन में एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में कभी भी उसको चैलेंज कर सकते हैं ऑल दो आपने ऐसी डिग्री आपने ऐसी सब्जेक्ट मैटर लैक ऑफ सब्जेक्ट मैटर जो रिजेक्शन का ऑब्जेक्शन कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस यानी कि जिस कोर्ट ने आपकी डिग्री पास की तब आपने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि सर आपके पास सब्जेक्ट मैटर जो रिजेक्शन नहीं है आप इस मैटर पर डिसीजन नहीं दे सकते आपने नहीं उठाया आप चुप रहे डिग्री आपके अगेंस्ट आई या फेवर में आई तब भी आप अपील में जाके पहली बार ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं रिवीजन में पहली बार रेज कर सकते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में रेज कर सकते हैं कोई इशू नहीं है लेकिन जब हम बात करते हैं टेरिटोरियल जोरिस्ट्रिक्शन या पेक्यूनरी जोरिस्टिक्शन की तो इन्हें मेयर टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ का नाम दिया गया है अगर कोई कोर्ट अपनी टेरिटोरियल जोरिस्टिक्शन या फिर पेक्यूनरी ज्यूरिस्ट्रिक्शन के बाहर जाके कोई डिक्री पास करता है यानी कि कोई ऐसे मैटर से डील करता है जहाँ पर उनकी टेरिटोरियल जोरिस्टिक्शन या पैक्यूनरी जोरिस्टिक्शन उस मैटर को एंटरटेन करने से उन्हें मना करती थी लेकिन फिर भी उन्होंने उस मैटर को एंटरटेन किया डिक्री पास की तो इसे मेरली टेक्निकल इन नेचर माना गया है जो डिग्री पास होगी डेट वुड बी परफेक्टली वैलिड और ऐसी डिग्री को आप कोलेटरल प्रोसीडिंग्स यानी कि अपील रिवीजन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में चैलेंज नहीं कर सकते जब आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में ही इसको चैलेंज नहीं किया था फॉर एग्जांपल कोई कोर्ट आपको दिख रहा है आप पार्टी हैं आपको दिख रहा है कोर्ट के टेरिटोरियल जो नहीं है पेक्यूनरी जो नहीं है आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस यानी कि उस कोर्ट में जहाँ ट्रायल चल रहा है जहाँ सूट चल रहा है वहाँ चुप रहे आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया आप सोच रहे हैं मैं पहली बार अपील या रिवीजन या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन उठाऊंगा तो ऐसा अलाउड नहीं है टेरिटोरियल या फिर पेक्यूनरी जोरिजिक्शन की जब वायलेशन होती है उस केस में तो क्या टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जूरीजिक्शन को वायलेट करते हुए जब कोई कोर्ट डिग्री पास करता है तो ऐसी डिग्री पर आप कभी कोई एक्शन नहीं ले सकते इसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं है तो ऐसा नहीं है सेक्शन ट्वेंटी वन में बिल्कुल रेमेडी है सेक्शन ट्वेंटी वन आपको प्रोवाइड करता है कि आप ऐसी डिक्री को चैलेंज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ प्लेस ऑफ सुइंग यहाँ पर प्लेस ऑफ सुइंग का खाली मतलब टेरिटोरियल जो रिजिक्शन नहीं पेक्यूनरी जोरिजिक्शन भी है आप किसी भी डिक्री को चैलेंज कर सकते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ टेरिटोरियल जो रिजिक्शन पेक्यूनरी जोजक्शन ये मतलब है प्लेस ऑफ सोइंग का इन एन एपलेट कोर्ट इन अ रिविजनल कोर्ट लेकिन कब नॉर्मली आप सब्जेक्ट मैटर जोजेक्शन को अगर वायलेट किया है तो अलाउड है आप कर सकते हो एपेलेट कोर्ट में रिविजनल कोर्ट में इवन दो आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चुप रहे आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया लेकिन सेक्शन ट्वेंटी वन बोलता है प्लेस ऑफ स्वइंग का अगर आपको ऑब्जेक्शन उठाना है ऑब्जेक्शन उठाना है प्लेस ऑफ स्वइंग के बेसिस पर किसी डिग्री को सेट साइड करने के लिए एपलेट कोर्ट में रिविजनल कोर्ट में तो तीन कंडीशंस का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है फर्स्टली ये कि आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस यानी कि ट्रायल कोर्ट में भी ऑब्जेक्शन उठाया था लेकिन ट्रायल कोर्ट ने आपकी बात नहीं सुनी इग्नोर कर दी आपकी बात सुनने के बावजूद भी डिग्री पास कर दी पहला ये दूसरा आपने ट्रायल कोर्ट में ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी जैसे ही डिफेंडेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट अपनी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है यानी कि पहली बार वो कोर्ट में आता है वो सीधा कोर्ट को बता देता है पहली बार में ही कि आपकी ज्यूरिस्ट्रिक्शन नहीं है या फिर उन केसेस में जहाँ पर इश्यूज़ फ्रेम होते हैं इश्यूज़ तब फ्रेम होते हैं जब कोर्ट के पास प्लेट आती है प्लेंट के बाद रिटर्न स्टेटमेंट आती है कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करता है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्या है दोनों के बीच में मुद्दा के आखिर बात कहाँ फंस रही है तो इश्यूज़ फ्रेम करते हैं और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशूज़ आपने कोर्ट को बता दिया था सर आपकी ज्यूरिस्टिक्शन नहीं है इसके अलावा थर्डली देर हैज़ बिन अ कॉन्क्वेंट फेलियर ऑफ़ जस्टिस फेलियर ऑफ जस्टिस का यहाँ मतलब है जहाँ आपके नेचुरल जस्टिस की वायलेशन हुई है फॉर एग्जाम्पल आपको सुना ही नहीं गया है जैसे टेरिटोरियल जोरिस्टिक्शन ऐसे किसी कोर्ट की है जो आपकी जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से बहुत दूर है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाए इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम तो आपकी वहाँ बात रखी नहीं ही नहीं गई आपकी रिटर्न स्टेटमेंट ही पब्लिक फाइल नहीं हो पाई तो यहाँ पर फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है तो अगर ये तीनों पॉइंट फुलफिल करते हो आप तो इवन टेरिटोरियल या पेक्यूनरी जुरिजिक्शन वायलेट हुई है इस बेसिस पर आप डिक्री को सेटिसाइड करने के लिए पहली बार रिविजनल और एपलेट कोर्ट में भी ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं ऑल दो ऑब्जेक्शन रिविजन और एपेलेट कोर्ट में उठाना सब्जेक्ट मैटर जूरीजिक्शन की वायलेशन के केसेस में ही अलाउड है लेकिन टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जूरीजेक्शन के वायलेशन के केसेस में भी आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं एपलेट और रिजनल कोर्ट में प्रोवाइडेड आपने तीन कंडीशंस को फुलफिल किया था जो सेक्शन ट्वेंटी वन ले डाउन करता है फिर से याद रखना प्लेस ऑफ स्विंग का यहाँ मतलब खाली टेरिटोरियल ज्यूरिजेक्शन से नहीं है इसके अंदर पेक्यूनरी ज्यूरजेक्शन के वायलेशन वाले केसेज भी कवर होते हैं अब क्वेश्चन उठता है कि सेक्शन ट्वेंटी वन ने बोल दिया कि आप एपलेट और रिविजनल प्रोसीडिंग में ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते जहाँ पर आपकी पेक्यूनरी और टेरिटोरियल जो रिजिक्शन वायलेट करते हुए किसी कोर्ट ने डिग्री पास की है उस केस में जहाँ आपने तीन कंडीशन फुलफिल नहीं की है लेकिन क्या आप एक सेपरेट सूट फाइल कर सकते हो टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जो रिजिक्शन को चैलेंज करने के लिए जो डिग्री पास की गई है टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जो रिजिक्शन की वायलेशन करते हुए क्या उसको चैलेंज करने के लिए आप एक सेपरेट सूट फाइल कर सकते हो बजाय चलो आपको रिविजन और अप, अप, अपील फाइल करना करना अलाउड नहीं है लेकिन क्या आप एक सेपरेट सूट फाइल कर सकते हो इस ग्राउंड पर कि डिग्री पुरानी डिग्री सेटिसाइड होनी चाहिए एक सेपरेट सूट फाइल करके आप क्या ये रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो तो इसको भी बार करता है आपका सेक्शन ट्वेंटी वन ऑफ सी पी सी सेक्शन ट्वेंटी वन ए सी पी सी बोलता है साफ तौर से कि नो सूट कैन बी फाइल्ड टू सेटिसाइड अ डिक्री ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्शन एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग यहाँ भी याद रखना एज टू द प्लेस ऑफ सुइंग का मतलब खाली टेरिटोरियल जो नहीं है यहाँ पर भी पेक्यूनरी जो के वायलेशन वाले केसेस भी कवर होते हैं तो आप सेपरेट सूट भी फाइल नहीं कर सकते तो आपके पास क्या रास्ता रह गया आपके पास रास्ता एक ही रह गया कि आप अपील और रिविजन में ही ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं जहाँ पर आपकी टेरिटोरियल या पेक्यूनरी ज्यूजिक्शन को वायलेट करते हुए कोई डिग्री पास की गई है लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप तीन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हुए ही एपिलेट या रिविजनल कोर्ट में आएँ जो तीन कंडीशन सेक्शन ट्वेंटी वन ने डाउन की है आपके लिए अदरवाइज़ टेरिटोरियल या पेक्यूनरी ज्यूजिक्शन को वायलेट करते हुए जो डिग्री पास की गई है वो बिल्कुल परफेक्टली वैलिड डिग्री मानी जाएगी तो समरी ये है सब्जेक्ट मैटर ज्यूजिक्शन को वायलेट करते हुए जो डिग्री पास की जाती है वो डिग्री ऑफ नलिटी यानी कि नल एंड वाइड होती है उसे कभी भी चैलेंज कर सकते हो ऑल दो आपने कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में आप चुप रहे लेकिन टेरिटोरियल और पिक्यून जूजेक्शन की जो डिग्री पास होती है वो मेरली टेक्निकल इरेगुलरिटीज़ है तो वो परफेक्टली वैलिड डिग्री मानी जाएगी और अगर आप कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में चुप रहे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो एपलेट और रिविजनल यानी कि कोलेट्रल प्रोसीडिंग्स में आपके पास दोबारा ऑब्जेक्शन उठाने का कोई मौका नहीं है और सेपरेट सूट भी फाइल नहीं कर सकते आप बिकॉज ऑफ द बार ऑफ सेक्शन ट्वेंटी वन ए तो ये था आपका आज का लेक्चर इफेक्ट ऑफ नॉन जूरिस्डिक्शन पर आज आपको मॉडल आंसर पी डी एफ मिलेगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन जो है उस टॉपिक पर और आपको एम सी क्यू की पी डी एफ सेक्शन ट्वेंटी और ट्वेंटी वन ए सेक्शन ट्वेंटी वन सी पी सी पर प्रोवाइड की जाएगी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज करके ब्रॉशर को रीड करके आप टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवा सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं